दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको हम बताएंगे रजिस्टर के बारे में, जो कि इन्वर्टर में आती है 5 कलर रजिस्टर। और दोस्तों 5 कलर रजिस्टर को पहचानना मुश्किल होता है उसके वैल्यू, क्योंकि हम लोग जब स्टडी किए थे 3 कलर का स्टडी किए थे, और 5 कलर में दोस्तों दोनों साइड का कलर आपका लगभग सेम ही हो जाता है, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 5 कलर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज के और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक चार्ट बनाई है, इसमें मैक्सिमम यूज होते हैं जो इन्वर्टर में रजिस्टर, तो उसकी मैंने यहाँ पर चार्ट बनाई है। तो इस चार्ट से आप मालूम कर सकते हैं कि उस रजिस्टर की क्या वैल्यू है 5 कलर वाले रजिस्टेंस में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कलर के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं 5 कलर में सिल्वर स्टार्टिंग में आता नहीं है, सेकेंड में भी नहीं आता, थर्ड में भी नहीं आता है, फोर्थ में जो भी आएगा वो वैल्यू आती है, और आपको जो है सेकेंड में आपका गोल्डन जो है आएगा वो भी चौथे नंबर में रहेगा, ब्लैक आप आएगा तो वैल्यू उसकी 0 रहेगी, और चौथे में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। यहाँ ब्राउन देख सकते हैं, ब्राउन का आपका जो है वैल्यू 1 रहेगा, रेड का वैल्यू 2 रहेगा, ऑरेंज का 3 रहेगा, येलो का 4 रहेगा, ग्रीन का 5 रहेगा, ब्लू का 6 रहेगा, पर्पल का 7 रहेगा, यानी कि इसे वायलेट बोलते हैं हम लोग इसको, इससे 7 रहेगा, ग्रे का 8 रहेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट का जो वैल्यू रहेगी वो 9 रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है रजिस्टर की। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चार्ट की तरफ समझ लेते हैं, चार्ट की तरफ समझ जाएंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रजिस्टर का वैल्यू। दोस्तों 1 ओम का रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, तो इस हिसाब से आप कलर के हिसाब से समझ लेंगे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब हम इसको जो है, तो दोस्तों हम लोग इसमें जो मैंने दिखाई है कि 1 ओम की जो रेजिस्टेंस में क्या क्या कलर हो सकता है आपका 5 कलर में, तो इस हिसाब से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 ओम्स में हम लोग समझ लेते हैं 1 ओम्स में क्या क्या कलर है, उस हिसाब से वो कितनी उसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउन जो है यहाँ पे जो है आपका 1 दिया गया है, 1 हम लोग यहाँ पर रख लेंगे कैलकुलेटर में। यहाँ पे ब्लैक जो है आपका 0 है, और आपका थर्ड में भी आपका 0 है, फोर्थ में दोस्तों यहाँ पे ये सिल्वर है, देख सकते हैं फोर्थ में सिल्वर है, तो सिल्वर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, देख सकते हैं 0.01 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस आ गया, ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का है। और दोस्तों इसमें कभी भी आप रेजिस्टेंस आपको मालूम करना हो, इसके बीच में जो होता है कभी भी आपको ब्लैक मिलेगा, देख सकते हैं इसके सेंटर में आपको ब्लैक मिल जाएगा सभी में, इसका ध्यान देना होगा, और लास्ट में आपको सभी में आपको ब्राउन मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, तो इसको आपको ध्यान देना है, जिससे में ब्राउन है वहाँ से स्टार्टिंग नहीं करनी है, और स्टार्टिंग जो है आपको करना है कलर, देख सकते हैं कलर के बाद में आपका जो भी आपका आएगा वो अलग अलग कलर आ सकता है, रेड ग्रीन ब्लू ऐसे आ सकता है, आपको उधर से काउंट करना है। अब दोस्तों चलते हैं आप 2.2 ओम्स की तरफ, 2.2 ओम्स की तरफ, तो 2 पॉइंट में आपका रेड और ब्लैक, रेड फिर आपका 2 हो गया, तीसरा में आपका जो होगा ब्लैक यानी 0 हो गए, 0.01 से बराबर कर लेंगे, यहाँ पे 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग 10 ओम्स का भी निकाल सकते हैं, 15 ओम्स का भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग निकालते हैं अभी 12 ओम्स का रेजिस्टेंस, इसके हिसाब से निकाल लेते हैं। तो अब 12 ओम्स में क्या है, देख सकते हैं ब्राउन है, ब्राउन 1 नंबर हुआ, और रेड है, रेड 2 नंबर हो जाएगी लिस्ट के अनुसार, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक आपका 0 हो जाएगा, देख सकते हैं 0 हो गया, और गोल्डन है तो गोल्डन मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, देख सकते हैं गोल्डन मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 से, देख सकते हैं यहाँ पे 0.1 है, उसको बराबर कर लेंगे, ये आपको 12 ओम्स की रेजिस्टेंस होगी, देख सकते हैं ये 12 ओम्स की रेजिस्टेंस है।
इसी तरह निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं ओम्स के बाद में 100 ओम्स में चलते हैं, या फिर 150 ओम्स में चल लेते हैं। 150 ओम्स निकालते हैं। 150 में आपका जो है देख सकते हैं ब्राउन है, एक कर दिए। उसके बाद में आपका जो है, ग्रीन 5 हो जाएगा। उसके बाद में ब्लैक 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका जो है ब्लैक आ जा रहा है। दोस्तों ब्लैक जो चौथा नंबर में है वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 दिखा रहा है। बराबर कर लेते हैं, 150 ओम्स की रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे 1K की तरफ। तो 1K की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे 1K में आप देखिए ब्राउन 1 नंबर हो गया, ब्लैक आपका 0 हो गया, फिर आपका जो है ब्लैक आपका 0 हो गया, और यहाँ पे ब्राउन देख सकते हैं। यहाँ ब्राउन में आपका जो है आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे हो जा रहा है। तो 1000 में हम लोग के बोलते हैं 1000 को, तो यहाँ पे 1K की ये रेजिस्टेंस हो जा रही है। अब दोस्तों चलते हैं आगे इसके। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 47। अब हम दोस्तों 22 में निकालते हैं, 22 देख सकते हैं 2, और यहाँ पे आपका जो है रेड 2 हो गया, फिर रेड 2 आपका 2 हो गया, फिर ब्लैक आपका 0 हो गया, फिर रेड आपका जो है 2 हो गया। तो चौथा नंबर में जो रेड होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना में, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 100। बराबर देख सकते हैं यहाँ 22K की रेजिस्टेंस ये हो जा रही है। तो दोस्तों इसी तरह वैल्यू निकाल सकते हैं सभी रेजिस्टेंस की। और मैंने ये जो चार्ट बनाई है ये आपको इन्वर्टर में रजिस्टर मिल जाएंगे, इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 कलर के आपको जो है रेजिस्टेंस के बारे में बता दी। अब दोस्तों हम लोग इसमें 3 कलर के बारे में समझ लेते हैं। तो 3 कलर में दोस्तों इसमें इलेक्ट्रो दो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा रेजिस्टेंस को वैल्यू जानने के लिए। और रजिस्टर जो कलर कोड देख सकते हैं आप, इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा, तो इस हिसाब से आप कलर का वैल्यू समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 बैंड में आप जाएंगे तो आपको 3 बैंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये 3 बैंड का वैल्यू आप पता कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है रजिस्टर में पहला जो कलर आपका ब्राउन है, दूसरा में आपका जो है ब्राउन है, तीसरा में आपका जो है ब्लैक है समझ लीजिए, तो इसकी वैल्यू देख सकते हैं आप, ये आपका 11 ओम्स की रेजिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पे जो तीसरा में जो होता है मैंने बताया था उसमें, वो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें जो 3 कलर वाले है जो रजिस्टर होता है। जैसे कि आपका ब्राउन हो गया, ब्लैक ले लिया, ये ब्लैक 0 हो गया, इसका जो वैल्यू मल्टीप्लाई 1 रहेगा, तो यहाँ पे 10 ओम्स की रेजिस्टेंस हो जाएगी। 2 और 2 ले लेंगे, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, या फिर यहाँ पे 2 है, ये 2 0 यहाँ पे आप रख देंगे, ये 2200 हो जाएगा। तो 2200 में जो है 2200 होता है, तो 2.2K का ये रजिस्टर हो जाएगा। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर से आप किसी भी रजिस्टेंस का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे मान लीजिए मैंने ब्राउन लिया और ब्लैक ले लिया, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं गोल्डन, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिल्वर रहेगा तो आपका 0.1 ओम्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये गीगा ओम्स है या मेगा ओम्स है, इसी तरह हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी के भी रजिस्टर का वैल्यू समझ सकते हैं। जैसे 5 कलर का है उसका भी समझ सकते हैं, यहाँ पर 5 कलर ये दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन ब्लैक ब्राउन। दोस्तों इसे तीसरा में हम लोग समझना होता है, तीसरा में जो है इसमें हमेशा ब्लैक आपको मिल जाएगा, चौथा में जो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ जाएगी आएगी, और ब्राउन हमेशा आपको मिल जाएंगे। इसके कलर है देख सकते हैं ये। दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं जो लास्ट में ब्राउन होता है तो वो जो आता है ओम्स में आता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपका के में आ जाएगा। आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप रेजिस्टेंस पता करेंगे 5 कलर में, तो अगर ब्राउन है तो वो आपका के में आ जाएगा, अगर रेड है तो किलो में आ जाएगा, अगर आप ऑरेंज है तो ये आपका 100 में पहुंच जाएगा। लेकिन 3 कलर में दोस्तों इसमें क्या होता है देख सकते हैं, 3 कलर में, 3 कलर में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ले लिए तो ये आपका है 110 ओम्स हो गया, लेकिन उसमें दोस्तों ये आपका किलो में चला जाएगा, तो इसको ध्यान देने वाली बात है।
तो दोस्तों मेरा ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।